मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाले आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए उसके साथ में बने बेल आइकन को क्लिक करें। इससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, हम अक्सर परेशान हो जाते हैं जब हम कोई वायरिंग डायग्राम देखते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर का हो, चाहे वॉशिंग मशीन का हो या एयर कंडीशनर का हो। तो वायरिंग डायग्राम को समझने के लिए हमें सर्किट को समझने की बहुत ज़रूरत होती है और इन सर्किट को समझना बहुत आसान है। हर एक अप्लायंस के अंदर हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं, एक पैरेलल और एक सीरीज। हमारे जितने भी कंट्रोल होते हैं वो सीरीज में लगते हैं और जितनी भी हमारी जो चलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मोटर्स हैं, बल्ब हैं, फैन मोटर हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो पैरेलल में लगी होती हैं। इनको उनकी रेटिंग के हिसाब से हमें वोल्टेज सप्लाई जो है वो देना होता है। तो आइए हम समझते हैं कि हम इनको कैसे आसानी से इनका वायरिंग कर सकते हैं और इनकी वायरिंग डायग्राम को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कोई भी अप्लायंस होती है उसके अंदर हम जो पावर सप्लाई होती है वो एक कॉर्ड के जरिए देते हैं और वो जो कॉर्ड होती है वो 3 कोर वायर होती है, जिसके आगे एक हमारा प्लग टॉप लगा होता है या 3 हमारे जो कनेक्शन होते हैं। इनके अंदर एक जो होता है वो लाइन होता है, एक हमारा जो होता है वो न्यूट्रल होता है और एक जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग वाले वायर को हम ग्राउंड कर देते हैं, बॉडी के साथ में हम इसको टाइट कर देते हैं ताकि उसका जो बॉडी है वो ग्राउंड हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रल होता है वो हम डायरेक्टली जो भी हमें चीज चलानी है, जिसको हमें 220 वोल्ट पावर सप्लाई देना है, लाइन वोल्टेज देनी है, उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। सपोज ये हमें एक बल्ब जलाना है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब होल्डर को कनेक्शन दे देते हैं और जो लाइन होता है वो लाइन को हम यहाँ से इसके लाइन के बीच में हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी इलेक्ट्रिकल फ्यूज डाल देते हैं और यहाँ पे उस अप्लायंस की रेटिंग के हिसाब से हम एक फ्यूज लगा देते हैं। ये 2 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का, 15 एम्पेयर का, जो भी रेटिंग रिक्वायर्ड है हम उसका एक फ्यूज लगा देते हैं। अभी हमें क्योंकि बल्ब को ऑपरेट करना है तो हम इसके लिए इसको डोर स्विच जो लगा होता है इसके अंदर, उसको हम डोर स्विच के ऊपर फेस को कनेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे डोर स्विच है और ये डोर स्विच से हम, तो इस तरह से ये जो हमारा डोर स्विच है ये सीरीज में हो गया बल्ब की और बल्ब जो है वो पैरेलल में हो गया। तो इस तरह जैसे ही ये स्विच ऑन होएगा तो बल्ब चालू हो जाएगा और जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा और कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने के वजह से ये फ्यूज भी उड़ जाएगा। अब अगर हमें इसके बल्ब के साथ साथ हमें इसके अंदर एक कंप्रेसर को चलाना है, तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हम उसको थर्मोस्टेट के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो हम इसी फेज को सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट स्विच जो होता है थर्मोस्टेट के साथ में हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब थर्मोस्टेट जो है वो सीरीज में हो गया, तो यहां से जो लाइन इन हुई वो लाइन आउट जो है वो हम, अगर ये एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है तो हम इसके अंदर जो एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है हम ओएलपी के साथ में लगा देते हैं और यहां से हम इसको रिले के पॉइंट पे दे देते हैं। इसमें अगर पीटीसीआर रिले लगा है, पीटीसीआर रिले लगा है और यहां से हम इसको न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो
ये जो हमारा कंप्रेसर वाला पार्ट है कंप्रेसर को चालू करने का, वो चालू हो जाता है क्योंकि थर्मोस्टेट जो है वो सीरीज में लगा है, तो जैसे ही थर्मोस्टेट कट ऑफ होगा तो ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा, दोबारा चालू होगा तो ये चालू हो जाएगा। और कंप्रेसर को हमें यहाँ पे 220 वोल्ट यहाँ से लाइन जा रहा है और यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, 220 वोल्ट सप्लाई चालू हो जाती है। इस तरह हम एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की वायरिंग कर सकते हैं। अगर ये हमारा फ्रॉक फ्री रेफ्रिजरेटर है तो हम क्या करेंगे, ये पोर्शन को यहाँ पे अभी हम रब ऑफ कर लेते हैं और अभी हम देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं तो उन कंपोनेंट्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। अभी सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास एक डीफ्रॉस्ट टाइमर लगा होता है, डीफ्रॉस्ट टाइमर लगा होता है और टाइमर के ऊपर हमारे पास चार पॉइंट होते हैं, तो हम उसके जो कॉमन वाला जो पॉइंट होता है हम उसको जो नॉर्मली नंबर तीन आप लोग बोलते हैं, तो हम उसके कॉमन वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे इसको लाइन सप्लाई दे देते हैं। अब ये जो कॉमन वाला पॉइंट होता है ये टाइमर मोटर के साथ में भी जुड़ा होता है, इसके अंदर टाइमर मोटर लगी होती है और ये टाइमर मोटर के साथ जुड़ा होता है और ये पॉइंट जो होता है वो यहाँ से टाइमर मोटर को हमें न्यूट्रल देना होता है, तो हम यहाँ से हम इसको न्यूट्रल जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट जो होता है वो हीटर के लिए होता है और एक जो पॉइंट होता है वो कंप्रेसर के लिए होता है, कूलिंग सर्किट के लिए होता है। तो एक बार ये लाइन जो होती है वो इधर जुड़ती है, एक बार ये लाइन जो है इधर जुड़ती है, तो इस तरह से जब ये इधर जुड़ेगा तो इससे क्या होगा, ये कंप्रेसर को सप्लाई जाएगी और कंप्रेसर के साथ साथ क्योंकि हमें फैन मोटर चलाना है तो हम यहाँ पे एक फैन मोटर लगा देते हैं और ये जो फैन मोटर है हम इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह जैसे ये थर्मोस्टेट ऑन होगा तो यहाँ से होता हुआ लाइन जो है वो फैन मोटर को जाएगा, फैन मोटर चालू हो जाएगी, फैन मोटर के साथ ही हमें क्योंकि कंप्रेसर को चलाना है तो यहाँ पे हम OLP लगा देते हैं और यहाँ पे हम इसको PTCR जो रिले है PTCR रिले जो है वो लगा देते हैं और यहाँ पे हम इसको न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो कंप्रेसर है वो भी चालू हो जाता है। अब जैसे ही हमें इसको 8 घंटे या 10 घंटे चलने के बाद में इसको डीफ्रॉस्ट मोड में लाना है, तो डीफ्रॉस्ट मोड में लाने के लिए हमारे ये जो टाइमर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टाइमर और एक होते हैं हमारे जो सीरीज टाइमर। अगर ये हमारा डायरेक्ट टाइमर है तो हम इसके डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ पे एक बाइमेटल थर्मोस्टेट लगाकर और यहाँ पे हम ये हीटर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह ये पैरेलल टाइमर वाली कनेक्शन हो गए। अभी क्या होगा कि जब ये पैरेलल टाइमर जो होते हैं वो एक फिक्स टाइम वाले होते हैं 20 मिनट का, आधे घंटे का, मगर उससे पहले हीटर को ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे बाइमेटल थर्मोस्टेट लगा दिया, तो जैसे ही ये यहाँ से हमारा 8 घंटे या 10 घंटे घूमने के बाद हीटिंग मोड में आता है तो उस समय फैन मोटर और कंप्रेसर बंद हो जाते हैं और बाइमेटल के जरिए हीटर को जो है वो सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है, हीटर भी ऑन हो जाता है और टाइमर मोटर भी ऑन रहती है। इसमें से जो भी टेम्परेचर पहले सेटिंग आ जाती है अगर वो टाइम पहले आ जाएगा तो ये इसको वापस कट कर देगा और अगर बाइमेटल का जो टेम्परेचर है वो अगर बढ़ जाएगा तो वो हीटर को ऑफ कर देगा। इस तरह ये पैरेलल टाइमर वाले कनेक्शन हो गए। अभी अगर हमारा ये सीरीज टाइमर वाला है और इसको हम हीटर के सीरीज में लगाते हैं, इससे क्या होता है कि हीटर की जो वोल्टेज होती है वो ज्यादा होती है
हीटर की जो वाटेज होती है वो ज्यादा होती है और टाइमर मोटर की वाटेज कम होती है, तो टाइमर मोटर चलती है। अभी जैसे ही ये सप्लाई जो है कूलिंग साइकिल में पहला चल रहा है, तो जैसे ही ये सप्लाई यहां से डिस्कनेक्ट होकर कूलिंग मोड से हीटिंग मोड में आती है, तो उस समय क्या होता है, ये बाई मेटल से होता हुआ लाइन जो है वो डायरेक्टली हीटर को मिलती है, क्योंकि यहां भी लाइन आ जाती है और यहां भी लाइन रहती है, तो इस तरह टाइमर मोटर बंद हो जाती है और हीटर चालू हो जाता है। अब जैसे ही बाई मेटल थर्मोस्टैट टेम्परेचर सेटिंग के हिसाब से हीटर को ऑफ करता है, तो टाइमर मोटर चालू हो जाती है और इस तरह ये वापस इसको कूलिंग मोड में ले आता है। तो इस तरह ये फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के वायरिंग। तो हमें सीरीज में क्या लगाना है, पैरेलल में क्या लगाना है, इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें यही कनेक्शन एक वॉशिंग मशीन के करने हो, तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी हमारे पास 3-कोर वायर रहता है जिसके आगे एक प्लग लगा रहता है और ये 3-पिन प्लग ग्राउंड वाली अर्थ वाली जो लाइन होती है वो हम मशीन की बॉडी के साथ में लगा देते हैं और न्यूट्रल हमारे पास डायरेक्ट सप्लाई होती है और हमारे पास लाइन होती है। अब ये जो न्यूट्रल है ये हमें जिस भी मोटर को चलाना है, हमारे पास एक क्या है यहां पर एक वॉश मोटर है, एक हमारे पास स्पिन मोटर है और एक हमारे पास यहां पर स्पिन टाइमर है। एक हमारे पास यहां पर वॉश टाइमर है एक हमारे पास यहां पर लिड स्विच होता है, सेफ्टी स्विच जो होता है। तो अभी हमें इनको कनेक्ट करना है। हमने जैसा अभी हमने बात की कि हमारे जितने भी कंट्रोल होते हैं वो हमारे सीरीज में लगते हैं, तो हम क्या करते हैं यहां पर ये जो न्यूट्रल है इसको हम डायरेक्ट जो है वो स्पिन मोटर को दे देते हैं, स्पिन मोटर के कॉमन में। और स्पिन मोटर की हमारे पास दो वायर होती हैं, एक हमारे पास इसकी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। तो इन दोनों के बीच में हम एक रनिंग कैपेसिटर लगा देते हैं। अब हम जो ये जो लाइन होता है इसको हम सबसे पहले लिड स्विच में देते हैं और लिड स्विच से हम स्पिन टाइमर में देते हैं और स्पिन टाइमर से हम इसको रनिंग वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। इस तरह जैसे ही ये हमारा लिड स्विच ऑफ क्लोज पोजीशन में है, तो यहां से लाइन जो है वो डायरेक्टली हमारा कहां जाएगा, लिड स्विच में, लिड स्विच से स्पिन टाइमर में और स्पिन टाइमर से होता हुआ हमारे पास रनिंग में आ जाएगा और इस तरह ये हमारा जो मोटर है वो चालू हो जाएगी। तो इसके बीच में भी हम यहां पर एक सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगा लेंगे, जितना भी हमारे रेटिंग का चाहिए वो उस रेटिंग का हम इसके अंदर एक फ्यूज लगा देंगे। अब हमारे पास वॉश मोटर को चलाना है, तो वॉश मोटर को चलाने के लिए यही जो हमारी जो लाइन है वो हम वॉश टाइमर को देंगे और वॉश टाइमर से जैसे हमने अभी फ्रॉस्टी रेफ्रिजरेटर में देखा था, एक बार ये क्लॉकवाइज के लिए आएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज के लिए आएगा, ये जो पॉइंट है वो एक बार इधर जुड़ेगा एक बार इधर जुड़ेगा और यहाँ पे हमारे पास जो वॉश मोटर को न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे। और वॉश मोटर की क्योंकि दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एक होता है, एक एक्सॉलरी वाइंडिंग बोलते हैं, एक बार वो क्लॉकवाइज, तो इन दोनों के बीच में भी हम एक रनिंग कैपेसिटर लगा देंगे मोटर के हिसाब से। अब ये कनेक्शन एक बार इधर जुड़ेगा एक बार इधर जुड़ेगा, जब ये इधर आएगा कनेक्शन तो ये वाली वाइंडिंग हमारी जो है वो रनिंग वाइंडिंग बन जाएगी और मोटर जो है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और जब ये कनेक्शन हट जाता है बीच में तो उस समय मोटर बंद हो जाती है, वो उसका पॉज टाइम होता है। और जैसे ही ये यहां से कट कर यहां जुड़ेगा तो ये हमारा जो है वो रनिंग वाला पॉइंट बन जाएगा और
मोटर जो है वो उल्टी दिशा में घूमने लगेगी। इस तरह हम ये एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कनेक्शन कर सकते हैं। अभी अगर हमें एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कनेक्शन देखने हैं तो अगेन हमारे पास 3-pin plug, 3-core wire, मेन कॉर्ड, अर्थ वाला पॉइंट हम मशीन के साथ में लगा देंगे, न्यूट्रल, यहाँ पे हमारे पास एक हमारा मेन PCB है, हम ये जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली मेन PCB को दे देंगे यहाँ पर, और यहां से हम फेस जो है वो भी हम एक PCB को यहाँ पे दे देंगे। तो यहां पर हम 230 वोल्ट AC जो है वो हम PCB को दे देंगे। अब PCB से हमको सप्लाई जो है वो आउट लेनी है। अब यहाँ पे कई बार PCB के अंदर जो है हमारा फ्यूज लगा होता है और कई बार हम ये जो फ्यूज है वो हम लाइन में बाहर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगा होगा, ये फ्यूज PCB के अंदर भी लगा हो सकता है। अब PCB से हमें जो अलग अलग चीजें चलानी है, जैसा हमने देखा कि हमें मोटर को चलाना है, तो मोटर को चलाने के लिए हमारे पास यहाँ से जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली मोटर को चला जाएगा, और यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए मोटर को सप्लाई आउट जाएगी। ये यहाँ पे अलग अलग जैक लगे रहते हैं जिनके अंदर से ये मोटर के कनेक्शन होते हैं, और यहाँ पे मोटर को चलाने के लिए हम एक रनिंग कैपेसिटर लगा दें। क्योंकि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए हमारे पास एक ही मोटर होती है, तो हम इसी मोटर को स्पिन और वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर इसके साथ साथ हमें एक जो है वो ड्रेन मोटर के लिए कनेक्टर होता है, एक कनेक्टर हमारे पास वाटर इनलेट वाल्व के लिए होता है, वाटर इनलेट वाल्व लगा दे को कनेक्ट कर देंगे, यहां पर हम ड्रेन मोटर लगा देंगे और इसको सिग्नल देने के लिए वाटर लेवल सेंसर लगा देंगे। तो इस तरह हम एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो एयर कंडीशनर के लिए भी हमारे पास एक लाइन न्यूट्रल और अर्थिंग के लिए एक हमारा जो वायर होता है जो हम ग्राउंड कर देते हैं, इसके आगे हमारे पास मे बी 3-pin plug लगा हो सकता है, या इसकी हम ये जो तीनों जो वायर्स होती हैं उसको हम स्टेबलाइजर या MCB के थ्रू कनेक्शन देते हैं। अब इसको चलाने के लिए नॉर्मली हम इंडोर हमारा जो यूनिट होता है IDU जिसको हम बोलते हैं इंडोर यूनिट, हम इंडोर यूनिट को हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पे लाइन और यहाँ पे न्यूट्रल, ये हमारा जो लाइन है और ये हमारा जो न्यूट्रल है, लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहां से हमारे पास एक जो होती है वो सिग्नल वायर होती है जो हमारी आउटडोर यूनिट को जाने के लिए अलग से होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कनेक्टर रहता है इसी में से हम ये हम तीन वायर जो है वो आउटडोर यूनिट को ये तीन वायर हम आउटडोर यूनिट को 3-core wire हो सकती है, ये 4-core wire हो सकती है, अगर अर्थिंग भी हम यहां से ले जा रहे हैं तो ये 4-core wire भी हो सकती है। तो यहां से हम ये एक पॉइंट जो है वो अर्थिंग का जो है वो यहां पे कनेक्ट कर देते हैं, तो यहां से ये 4-core wire भी हो सकती है। अब ये वायर जो है ये हमारे आगे आउटडोर यूनिट में चली गई, तो आउटडोर यूनिट के अंदर हमारा जो कनेक्टर लगा होता है, इंडोर यूनिट के अंदर हम जो रिमोट के जरिए हम कंट्रोल करते हैं, यहां से आगे एक हमारा जो जैक लगा होता है जिसके ऊपर हम डिस्प्ले PCB लगा देते हैं, और यहां पे हम इसके जो सेंसर्स होते हैं उनको लगा देते हैं, यहां पे हमारा एक कॉइल सेंसर होता है और एक हमारा रूम सेंसर या एयर सेंसर होता है। तो इस तरह ये इंडोर और यहाँ से आउटडोर के यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो लाइन और न्यूट्रल जो है वो हम यहाँ कंप्रेसर को ये कॉमन को दे देते हैं, ये हम यहाँ रनिंग को दे देते हैं, और रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हम यहाँ पर एक
रनिंग कैपेसिटर लगा देते हैं। तो इस तरह हमारा ये, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक जो हमारी आउटडोर फैन मोटर के लिए, तो इस तरह हमारे ये जो कनेक्शन है वो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो अगर हमें ये बेसिक बातें पता चल जाती हैं तो हम किसी भी अप्लायंस के जो वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, और उसके कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस जानकारी से काम करने में मदद मिलेगी। अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।